153। कोई और कैलकुलेट करेगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। 155। मैंने आपसे क्या बोला था कि 53 माइनस 37 करिएगा, फिर 37 माइनस 14 करिएगा, 14 माइनस 0 करिएगा, उसके बाद 65 माइनस 0, फिर 67 माइनस 65, इसके बाद फिर आपका 98 माइनस 67, फिर आपका 122 माइनस 98, इसके बाद बोला था 124 माइनस 122 एंड देन 183 माइनस 124। ठीक है, अब आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कितना आ रहा है, 53 16, यहाँ से 3 और तो 23, ये 14, ये 65, ये 02, ये 1 और ये 331, और यहाँ से आपने 4, यहाँ पर 24, फिर आपका 02 एंड 83, 124, यहाँ 9 तो 59। अब आपने जो किया होगा 16, 6, 9, 9, 9, 13, 13, 9, 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
पंद्रह और दो सत्रह, सत्रह और पांच टू थर्टी थ्री, यहाँ सर है ना 233 आ रहा है आपका आंसर। तो ये देखिए दैट इज कॉल्ड द सीक टाइम, इसको बोलते हैं हम सीक टाइम, जो हमने कल भी देखा था कि सीक टाइम निकालना होता है, टोटल हेड मूवमेंट निकालना होता है हमें, तो हमारा ये सीक टाइम आया है हमारा, ठीक है, स्कैन में, जिसमें इसमें क्या हो गया, हेड का जो मूवमेंट है हमने उसको कंट्रोल किया, हेड का मूवमेंट। इससे पहली वाली एल्गोरिथम में देखिएगा हेड का मूवमेंट आपका लेफ्ट राइट हो रहा है, और ये लेफ्ट राइट करने से क्या होता है आपके जो टाइमिंग का जो होता है इफेक्टिव एक्सिस टाइम, वो टोटल इफेक्टिव एक्सिस टाइम हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हेड को मूवमेंट करने में और उसके बाद फिर रीड करने में, तो अगर एक ही डायरेक्शन में हेड बढ़ रहा है तो आपके फटाफट रीड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हेड टर्न होगा it will take some time and then it will go to read track number. तो इसलिए बोलते हैं कि आप इस हेड को कंट्रोल करो तो शायद आपको कुछ और इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाए। तो ये हमारा इफेक्टिव रिजल्ट है कि यहाँ पर 236 सिलेंडर आए सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट में, स्कैन में सेम उसको हमें 233 देखने मिले कि हमने हेड मूवमेंट को कंट्रोल किया। लेकिन इस स्कैन एल्गोरिथम्स को देखने पर आपको एक ड्रॉबैक समझ में आ रहा होगा इसका, कोई बता सकता है ड्रॉबैक कि देखिए मेरे को जो ट्रैक करने थे वो इतने ट्रैक करने थे, और हेड मूवमेंट का कंट्रोल मैंने अपने हिसाब से सेट किया कि या तो आइदर लेफ्ट और राइट, व्हाट एवर वी रिक्वायर्ड कि हमें सोचना है लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, जो भी एक आपने ले लिया हेड मूवमेंट की डायरेक्शन फिर वही चलेगी पूरे प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट ली थी तो लेफ्ट के हिसाब से चला, लेकिन यहाँ स्कैन एल्गोरिथम में हेड मूवमेंट केवल एक ही कंडीशन पर होगा कि जब वो हेड पूरे एंड पर आ जाएगा आइदर जीरो और 199। अगर सपोज करिए कि मैंने हेड मूवमेंट राइट साइड लिया होता तो जो हेड 183 के बाद 199 पे जाने के बाद फिर आपका लेफ्ट साइड होता हेड का मूवमेंट, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड लिया था इसलिए जीरो पर। अब देखिए कि जो 14 से जीरो तक जो मैं गया हूँ 14, ठीक है ना, दैट इज द मेरा अननेसेसरी हेड मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, ये 14 से देर और वापस यहाँ 14 तक रिटर्न होना, मतलब 20 हेड 8 मूवमेंट जो हुए वो मेरे
अननेसेसरी हुए हैं स्कैन में, और इसी को सॉल्व किया है सी स्कैन एल्गोरिथम में। किसने? सी स्कैन एल्गोरिथम में। प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम देन स्कैन, के यहां पर हमने बाउंड किया है आपका किसका, सी स्कैन का। ओह सॉरी, इसका जो ये है स्कैन का जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक सॉल्व किया है, दैट इज कॉल्ड द लुक एल्गोरिथम्स ने, और लुक एल्गोरिथम्स ने जो सी स्कैन का जो है ये कंट्रोलिंग जो हम बोल रहे हैं आपसे कि किस तरीके से हम हेड मूवमेंट को कंट्रोल करें, और जो भी लास्ट पॉइंट रहेगा रीड का, व्हाट एवर द लेफ्ट साइड और राइट साइड, कि यहाँ लेफ्ट साइड में 14 जो मेरा लास्ट पॉइंट है इसके बाद पॉइंटर को मूव हो जाना चाहिए। तो जो 14 हमने अननेसेसरी लेफ्ट साइड को मूव किया, और 14 वापस 14 तक आने में फिर से मैंने 14 ट्रैक रीड किया राइट साइड, तो ये टोटल 28 मूवमेंट जो है ना वो मेरे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव किया है किसने, लुक एल्गोरिथम्स ने। लुक, लुक क्या करती है, नाम ही है LOOK के, लुक स्कैन का ड्रॉबैक किसने सॉल्व किया है, लुक एल्गोरिथम ने, डेट इज कॉल्ड द लुक। आई थिंक मेरे से एक स्लाइड मिस हो गई है। लुक, लुक का मैंने आपको क्या बताया, लुक एल्गोरिथम बिल्कुल जैसा सी स्कैन डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्गोरिथम है उसी तरीके से लुक एल्गोरिथम है, बस आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा कि 14 जैसे ही उसको लास्ट ट्रैक नंबर रीड हुआ उसके बाद आपका रिटर्न करवा सकते हो आप अपने आर्म को, और टिल द एंड यहाँ तक जाएगा 14 से लेकर 183 तक जाएगा। और अगर आपने राइट साइड लिया होता तो 53 के बाद 65, 67, 98, 120, 24, 183, और 183 के बाद लुक क्या करता, यहाँ लौटा देता सीधा 37 एंड देन 40। तो इस तरीके से लुक एल्गोरिथम्स अपनी वर्क करती है। सी स्कैन को और थोड़ा सा बढ़ाया है, स्कैन को एडवांस वर्जन सी स्कैन बोल रहे हैं, लेकिन सी स्कैन में भी टोटल अमाउंट हमारा ज्यादा हो जाता है। सी स्कैन का देखिएगा, जैसा स्कैन एल्गोरिथम्स हमारी चल रही थी वैसे ही सी स्कैन है, लेकिन इसमें ये बोला है कि हेड मूवमेंट जो होंगे वो एंड पर होंगे,